स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। उद्धव सरकार के नेताओं पर केंद्रीय एजेंसी की ताबड़तोड़ कार्रवाई से संजय राउत बौखला गए हैं और लगातार एजेंसियों के साथ साथ मोदी सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। बीजेपी के नेताओं को जेल भेजने की धमकी देने वाले संजय राउत ने अब केंद्रीय एजेंसियों के अफसरों के ही खिलाफ सबूत पीएमओ को सौंपे हैं। क्या कुछ कहा गया है इन सबूतों में, इस रिपोर्ट में देखिए। उद्धव के मंत्रियों पर ईडी और आईटी के चले हंटर ने अघाड़ी गैंग की रात की नींद और दिन का चैन उड़ा दिया है। सबसे ज्यादा संजय राउत उद्धव सरकार की पोल खुलने और केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई से बौखलाए हुए हैं और लगातार उन्हें कोसने का काम कर रहे हैं। जांच एजेंसियों के जरिए संजय राउत समय समय पर मोदी सरकार को घेर रहे हैं। इसी कड़ी में संजय राउत ने केंद्रीय जाँच एजेंसियों पर रिश्वत लेने और गलत फंसाने का भी आरोप लगाया और पीएमओ को कुछ सबूत सौंपे हैं। संजय राउत ने बकायदा ट्वीट कर लिखा है कि खेल शुरू हो गया, पीएमओ इंडिया को आज सबूत सौंपे हैं कि कैसे कुछ अधिकारी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट में यह भी लिखा कि इसकी पूरी जानकारी देने के लिए वो एक पीसी भी करेंगे। हैरानी की बात तो ये है कि संजय राउत भूल गए हैं कि जिन जाँच एजेंसियों की कार्रवाई पर वो सवाल उठा रहे हैं, उन्हीं जाँच एजेंसियों ने उनके मंत्रियों के काले चिट्ठे बकायदा सबूत के साथ उजागर किए हैं। सबसे पहले नंबर अनिल देशमुख का आया था, जिनकी 100 करोड़ की वसूली का हाल ही में खुलासा हुआ था। कैसे सिस्टम में बैठकर वो अधिकारियों को बकरा बनाकर बार मालिकों से पैसों की वसूली करवाते थे, इस बात की जांच एजेंसी को सबूत भी मिल चुके हैं। तो क्यों संजय राउत अंधे हो गए हैं? अब अगला नंबर भी संजय राउत को गिनवा देते हैं, वो है नवाब मलिक, जिनकी पोल खुली और काले कारनामे बाहर आए तो लोग भी दंग रह गए। नवाब का अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन और औने पौने रेट में जमीन हड़पने का मामला भी शायद संजय राउत को समझ नहीं आया। और जब केंद्रीय जांच एजेंसियों ने मंत्रियों के खेल का भंडाफोड़ किया तो संजय राउत ऐसे बौखला गए मानो अगला नंबर उन्हीं का है, और कुछ नहीं मिला तो जांच एजेंसियों पर ही सवाल दाग दिए। अपनी गैंग की रिश्वतखोरी दिखाई नहीं दे रही और अब केंद्रीय एजेंसियों पर आरोप लगा रहे हैं। नवाब के बाद उद्धव के एक और मंत्री पर ईडी ने कड़ी कार्रवाई की है और उनका नाम है प्रजाक तनपुरे। महाराष्ट्र सहकारी बैंक घोटाले के मामले में प्रजाक तनपुरे की 94 एकड़ जमीन कुर्क की गई है। अब संजय राउत बताएं कि आखिर कौन चोर है, कौन रिश्वतखोरी का धंधा सिस्टम में बैठकर चला रहा है। मंत्रियों को काले कारनामों पर पानी डालने के लिए संजय राउत बार बार यही बात दोहरा रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियां एक व्यक्ति को फंसाने के लिए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है। संजय राउत को ये जान लेना चाहिए कि केंद्रीय एजेंसियां अपनी शक्तियों का महाराष्ट्र में बिल्कुल सही इस्तेमाल कर रही हैं, क्योंकि जिन भ्रष्टाचारियों की जगह जेल में होनी चाहिए थी वो अब जेल की हवा ही खा रहे हैं। केंद्रीय एजेंसियों पर सवाल उठाकर उन्हें रिश्वत खोर बताकर संजय राउत अपने भ्रष्ट मंत्रियों का काला चिट्ठा छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अब नई नौटंकी दिखाते हुए संजय राउत ने कुछ रिश्वत के आरोप लगाते हुए पीएमओ को सबूत पेश किए हैं और कहा है कि खेल अब शुरू हो गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार। We'll be right back.